मैं मेरा चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो चैनल है इसमें मैं हर दिन आप लोगों के लिए इंट्राडे कॉल देता रहूंगा, और मैं आज जो कॉल देने वाला हूँ 22 जून 2020 के लिए मैं इंट्राडे कॉल देने वाला हूँ, और इसमें मैं हर दिन आप लोगों को कॉल जो अपडेट करते रहूंगा। हर दिन मैं दो कॉल देने वाला हूँ, उसका स्टॉप लॉस और उसका टारगेट मैं हर दिन दूंगा, और ये जो स्टॉप लॉस टारगेट को आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करके आपको ट्रेडिंग करना है, तभी जाके आप अच्छा से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अच्छा से ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को जैसे पता है कि ट्रेडिंग जो है ये बहुत ही एक पेशेंस का काम है, इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो मैं जो स्टॉप लॉस और टारगेट दूंगा उसको आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, और ये चैनल में फ्री में आप लोगों को हर दिन इंट्राडे कॉल मिलता रहेगा। तो ये चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत पहुंच जाए आपका ऐप में या आपका मेल में। तो दोस्तों, ये जो दो कॉल देने का, पहले मैं ये चीज बता देता हूँ, मेरा जो दो कॉल रहेगा इसका एक्यूरेसी जो रहेगा ये 90% रहेगा। कोई भी ऐसा आपको 100% एक्यूरेसी वाला कॉल नहीं दे सकते, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो दो कॉल है ये दो कॉल में आपको जरूर प्रॉफिट होगा। मैं इसको 90% एक्यूरेसी क्यों बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं इसीलिए स्टॉप लॉस रखा, इसीलिए मैं 90% आपको एक्यूरेसी बोल रहा हूँ। स्टॉप लॉस नहीं रखता तो मैं उसको 100% बोल सकता हूँ। तो आपको जरूर इसको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या हो रहा है, ये जो दो कॉल दिया हूँ इसका पीछे रीजन क्या है, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, और उसके बाद ही आपको दो कॉल देने वाला हूँ। और ये दो कॉल आपको कल के लिए 22 जून 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है, और ये जो है बहुत ही अच्छा कॉल से ये दो कॉल में आप थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, आपको जरूर प्रॉफिट नजर में आएगा। तो दोस्तों, चलिए मैं पहला कॉल बोल देता हूँ, और पहला कॉल का पीछे रीजन क्या है वो भी बता देता हूँ। दोस्तों, पहला कॉल जो है वो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है ये कंपनी एक फार्मा कंपनी है, फार्मा सेक्टर के अंदर है। दोस्तों, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि 21 जून को एक न्यूज निकल के आया हुआ है कि इंडियन जो ड्रग कंट्रोलर है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है एक टैबलेट बनाने के लिए जो COVID-19 को रिलीफ दे सकता है। एक बहुत ही बड़ा न्यूज है, क्योंकि COVID-19 का वजह से पूरा देश में लॉकडाउन चल रहा था। अभी थोड़ा बहुत लॉकडाउन ओपन हो रहा है, लेकिन इसका जो हर दिन का इसका COVID-19 का अफेक्टेड केस वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और डेथ टोल भी बहुत सारा क्रॉस मतलब बढ़ रहा है। तो इसके लिए उसी टाइम में ऐसा एक टैबलेट बनाना कोई भी कंपनी के लिए, और उसका एक मतलब उसको ये जो वायरस है इसको जो एंटीवायरस के हिसाब से टैबलेट काम कर रही है, बहुत ही बड़ा न्यूज है। और ये कंपनी के पास अप्रूवल मिल चुका है। अप्रूवल मिलने के बाद मार्केट ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि सैटरडे संडे को बंद था मार्केट, और ये मार्केट कल ओपन होने वाला है। तो ये जो स्टॉक है इसमें जबरदस्त तेजी, ये स्टॉक जो है बहुत ज्यादा रैली दिखा सकता है। तो दोस्तों, ये जो स्टॉक है इसको मैं बाय करने के लिए आपको बाय टारगेट, बाय का जो पोजीशन है मैं ये नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये स्टॉक कहाँ पे जाके ओपन होगा आप नहीं बता सकते। तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, ये स्टॉक जो क्लोजिंग दिया था 410 रुपया का इसका पिछले दिन का क्लोजिंग था, तो मैं इसके लिए आपको सलाह दूंगा कि ये स्टॉक को जो है आप जहाँ पे ओपन हो रहा है वहां पे बाय कीजिए, क्योंकि हालांकि ये जो कंपनी इसका जो ये जो स्टॉक है आप कल इसको बाय करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें हो सकते हैं कुछ अपर सर्किट दिखने के लिए मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, इसको थोड़ा देख के बाय कीजिए, मतलब जो प्राइस में आप बाय कर रहे हैं वो प्राइस में बाय कीजिए, उसके बाद भी ये स्टॉक बहुत ज्यादा रैली दिखाएगा। मान लीजिए 410 में क्लोजिंग हुआ है, तो मान लीजिए 420 में ओपन हुआ, तो 420 में आप इसको ओपन उसको बाय कीजिए, फिर इसका टारगेट जो है 10 से 15 रुपया या 20 रुपया तक आप जो है मैक्सिमम टारगेट। मैं इसका फर्स्ट टारगेट जो बताऊंगा, मान लीजिए 420 में ओपन हुआ तो इसको फर्स्ट टारगेट आप रखिए 430, सेकंड टारगेट रखिए 435 और थर्ड रखिए 440। ये बहुत ज्यादा इन्होंने रैली दिखाएगा, क्योंकि ये जो न्यूज है बहुत ही धमाकेदार न्यूज है, और ये जो है ये न्यूज का वजह से हमारा निफ्टी में भी कल बहुत ज्यादा तेजी दिखने को मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं सेकेंड कॉल के लिए आपको बात करूं, सेकेंड कॉल जो मैं देने वाला हूं वो है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं वेल। ये जो वेल कंपनी है भी बहुत अच्छा कंपनी है, लेकिन इसका जो प्राइस है अभी इसका क्लोजिंग प्राइस जो था ये 32.6 था, और इसको मैं बाय करने के लिए मैं उसी जगह में बाय करने के लिए आपको बोलता हूँ कि इसको आप 32.6 में बाय कीजिए, और इसका फर्स्ट टारगेट जो है उसको रखिए 34, और सेकेंड टारगेट जो रखिए उसको रखिए 35, एंड इसका जो स्टॉप लॉस लगाइए वो लगाइए आप 30 रुपीज। और मैं फर्स्ट कॉल जो ग्लेनमार्क है, ग्लेनमार्क के लिए मैं कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि कल ये जो स्टॉक है इसमें
बहुत ज्यादा तेजी दिखने को मिलेगा आपको। तो दोस्तों ये जो दो कॉल है, ये तो फर्स्ट कॉल था ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और सेकेंड कॉल जो था वो था भेल। तो ये जो दो कॉल्स है, ये दो कॉल्स आपके सामने पूरा पूरा क्लियर है। ये दो कॉल्स में आप कल अच्छा से ट्रेड कीजिए और इसमें बहुत सारा मुनाफा अर्न करिए। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।